गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम मैथ पढ़ेंगे। कल भी मैथ पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना। तो मैंने कल क्या पढ़ाए थे, बिग और स्मॉल के बारे में आप लोग को समझाई थी, है ना। बिग और स्मॉल, बड़ा और छोटा। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। और उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट भी समझाए थे, है ना। लॉन्ग मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा, ये भी समझाए थे, है ना। तो और भी समझाए, देखिए हैवी और लाइट। हैवी मीन्स भारी, हल्का में लाइट मीन्स हल्का, है ना। ये भी मैंने कल समझाई थी आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं, मुझे डाउट नहीं पूछे कमेंट बॉक्स में। बार बार मैंने बोला कि मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछना, मैं बता दूंगी। आप लोग कोई भी नहीं पूछा मुझे, यानी सारा समझ में आ गया मुझे लग रहा है ना। तो टॉल और शॉर्ट, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, है ना। ये भी समझाई थी कल। और मेनी और फ्यू, मेनी मीन्स ज्यादा, फ्यू मीन्स कम, है ना। ये भी कल समझाई थी। और उसके बाद इन और आउट भी समझाई थी। इन मीन्स क्या है, देखिए इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, ये भी समझाई थी, है ना। तो और उसके आगे देखो सेम और डिफरेंट, सेम भी समझाई थी। सेम मीन्स बराबर के है, और डिफरेंट अलग है। ये देखिए सेम है, है ना, और ये अलग है इसलिए ये डिफरेंट है, इससे ये अलग है इसलिए ये डिफरेंट है, ये भी समझाई थी कल। और इक्वल भी समझाई थी, इक्वल बराबर है, ये टू है, ये टू है, इसको हम मैचिंग करेंगे। ये मैचिंग करने के लिए मैंने कर दिया था आप लोग को, मैचिंग करके मेरे पास सेंड करना, कोई भी सेंड नहीं कर रहे हो। ये भी मैंने कहा था कि मैं स्कूल में रहती हूँ 8 से 1 बजे तक, आप लोग कॉपी लेके आ जाइएगा, मैं चेक कर दूंगा। आप लोग भी नहीं आए, ध्यान से देखना और सुनना मेरे बात, इसको मैचिंग करके मेरे पास ले लिया ना, या सेंड करना, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है। समझ में आया बच्चा, याद रखना ये सेंड करना मेरे पास, ये टू है, ये टू है, देखिए मैचिंग हो रहा है ना। ऐसे ये फोर है, ये फोर है, गिनना कहाँ है फोर, फोर से फोर क्या करना, मैचिंग करना। और ये थ्री है, और ये कहाँ थ्री है, ये भी थ्री है, इसको यहाँ से मिलाना, ठीक है, मैचिंग करना। ये सिक्स है, ये भी कहाँ सिक्स है, ये सिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी सिक्स है, सिक्स क्या करना, मैचिंग करना। ये 8 है, ये भी 8 है ना, तो इसको मैचिंग करना, मैचिंग करके मेरे पास सेंड करना, या तो स्कूल में हूँ लेके आना, मैं चेक कर दूंगी। बार बार मैं बोलती हूँ, ठीक है, मैं चेक कर दूंगी। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, राइट नंबर्स फ्रॉम 1 से 10, 1 से 10 तक हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, काउंट करेंगे। ये क्या है बच्चों, देखिए टी और ये है ओ। टी मीन्स क्या है, टेंस, ओ मीन्स क्या है, वंस, है ना। टी मीन्स टेंस, ओ मीन्स वंस, वंस और टेंस, है ना। तो वंस और टेंस, हम 1 से 10 तक हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ये जो खाली है ये फिलअप करना, ठीक है, कंप्लीट करना। 1 से 10 तक दे रखा है, उसके ऊपर पेंसिल चलाना और लिखना। समझ में आया बच्चे, ध्यान से बात सुनना मेरे, 1 से 10 तक काउंटिंग करना। ये पहले ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10, ठीक है। फिर दोबारा देखिए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10, इस तरह हम 1 से 10 तक पहले आज लिखना सीखेंगे। नर्सरी में सीखी है ना, तो 50 तक, कोई बच्चे 100 तक भी सीख लिए है, लेकिन जो बुक है बुक के हिसाब से हम पढ़ेंगे ना, तो इसीलिए हम 1 से 10 तक आज पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये बुक कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करना, ठीक है, फोटो खींच के, पहले बुक कंप्लीट करना और फोटो खींच के मेरे पास सेंड करना, मैं चेक करूंगी, ठीक है बच्चे। तो इस तरह मैं लिख के दिखा रही हूँ, बोर्ड पे डेट भी डालना, और देखो 7/7/2020 डेट डालना, और हेडिंग लिखना, ठीक है, हेडिंग लिखना राइट नंबर NUMBER
बाद लिखेंगे ये क्या है टेंस है हाँ और ये क्या है वांस वो है वांस है ना टेंस और वांस पहले लिखेंगे हाँ ये वांस ये टेंस कुछ नहीं है यहाँ क्या लिखेंगे हाँ वन फिर नीचे वाला छोड़ देंगे फिर लिखेंगे टू ठीक है और लिखेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां जगह ही नहीं हो रहा है इस तरह एट नाइन और टेन समझ में आया बच्चे हाँ इस तरह हम लिखेंगे वन से टेन तक और यहाँ भी इसको दोबारा लिखेंगे ठीक है यहाँ लिखेंगे तो टेंस जो है टेंस की जगह पे वन लिखेंगे और वन की जगह पे क्या लिखेंगे जीरो क्या लिखेंगे जीरो समझ में आया बच्चे देखिए कैसा मैं लिख रही हूँ टेन जो है वन जीरो टेन देखिए टेन की जगह पे वन और वन की जगह पे जीरो ये हो गया टेन ठीक है इस तरह हम वंस और टेंस कैसे लिखा जाता है ऐसे हम लिखेंगे यहाँ भी ऐसे लिखना हाँ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देखिए टेन हो गया देखिए ये है टेन की जगह पे वन जीरो की जगह पे देखो वन की जगह पे जीरो ये हो गया टेन ऐसे दो दो संख्या जो है जैसे कि इलेवन क्यों लिखोगे तो ये है इलेवन ट्वेल्व भी लिखोगे ये है ट्वेल्व थर्टीन भी लिखोगे ये है थर्टीन फोर्टीन भी लिखोगे ये है फोर्टीन तो टेंस की जगह पे वन आएगा और वन की जगह पे वन टू थ्री फोर फाइव आएगा समझ में आया बच्चे इस तरह हम लिखेंगे टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन जो हम लिखेंगे तो टेंस की जगह पे आएगा क्या वन है ना और वंस की जगह पे आएगा हम तो इलेवन में दो वन है एक वन टेंस में दूसरी वन वंस में ट्वेल्व जो है पहले देखो टेंस की जगह पे वन और वंस की जगह पे टू इस तरह हम लिखेंगे समझ में आया बच्चे ये टेंस में टी है टेंस वो है वंस ऐसे वंस और टेंस ठीक है आया समझ में बच्चे तो इस तरह लिख के मेरे पास देखिए ये बुक फिलअप करना पूरा कंप्लीट करना और कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करना ठीक है बच्चे समझ में आया ओके थैंक यू